कैसे हैं आप लोग। रिजी इजी किचन में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक और मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं। आज हम जो है पिज़्ज़ा कपकेक बनाते हैं। तो चलिए, मैंने कहा ये बहुत ही अच्छी मज़े की रेसिपी। पिज़्ज़ा तो आपको मैं सिखा चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके रिजी इजी किचन पे देख सकते हैं। और मैंने आपको पिज़्ज़ा का डो कैसे बनेगा वो, और पिज़्ज़ा मैंने पूरा स्क्रैच से आपको सिखाया था। तो आपको उसकी रेसिपी चाहिए हो कि डो कैसे बनेगा, वो आप मेरे रिजी इजी किचन पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हमारा ये जो कपकेक का सांचा है, इसको हम सबसे पहले बटर इसके ऊपर सही से लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसा करूँगी कि इसमें बटर सही से लगाना है, हाथ से ही लगाना है, ब्रश से। ये रूम टेम्परेचर पर मैंने बटर लिया और उसमें जो है थोड़ा बाहर का जो इसका किनारा होता है कपकेक का ऊपर सांचे का, इस पर भी हम लगाएंगे ताकि जब हम इसको निकालें तो वो आसानी से निकल सके। और एक को छोड़ के बीच का छोड़ देंगे और इसको इसमें लगाएंगे ताकि वो किनारा हमारा सफाई से निकल सके। ऐसे बनाएंगे हम। चलिए इसमें भी हम लगा देते हैं। वैसे तो आप चाहें तो सब में बना सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मुझे इतने चाहिए भी नहीं है इस वक्त, तो मैं इसलिए एक को बीच में स्किप करके इस तरह से बना रही हूँ। बटर आपने सही से लगाना है ताकि जब हम अपने वो पिज़्ज़ा कपकेक निकालें तो वो सही से निकल आए, चिपके नहीं नीचे। और बटर वैसे ही आप जब इस तरह से लगाएंगे तो जब वो निकलेंगे तो उसके डो में बहुत बटर का भी बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। इस तरह से लगा दीजिए। और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं जब आप किसी दावत में बनाइए। आप इसको देखिए फ्रेंड्स, एक दिन पहले अगर आपके घर में जैसे टुमारो दावत है तो आप इसको एक दिन पहले सब बना के और तैयार करके अपनी ट्रे फॉइल लगा के रख सकते हैं। और बस जब आपके गेस्ट के आने का टाइम हो तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे निकाल लीजिए इसका एक घंटा पहले, और आप इसको फिर मुश्किल से 12 से 13 मिनट लगते हैं इनको बेक होने में, इससे ज़्यादा मिनट नहीं लगते हैं। या आपके ओवन पे भी डिपेंड करता है कि आपका ओवन कैसा है, तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो बस आप इसको ओवन में रख दीजिए और गर्मा गर्म अपने गेस्ट के लिए पेश कर लीजिए। देखिए ये सारा मैंने सही से बटर लगा दिया सब पे। और बीज की मैंने ये चारों छोड़ दिए, तो हम ये सब बनाएंगे। अब हम इसको साइड पे करते हैं अपने, और हम अपना सबसे पहले हम ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इससे मेरे पास ये प्याला है क्योंकि मेरे पास जो काटने वाले वो कटर से थे वो मेरे पास छोटा था, उस साइज का नहीं था जिस साइज के मुझे चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो सांचा है फ्रेंड्स, हमें इससे थोड़ा बड़ा काटना है ताकि बाहर तक किनारा सही से आ जाए। तो मैंने इससे बड़ा, मेरे पास ये प्याले थे स्वीट के, तो मैंने ये ले लिया है। काम तो आप देखिए किसी चीज़ से भी थोड़ा सा चला सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वही हो प्रॉपर चीज़, तो आप उससे करें। तो चलिए ये देखिए, डो मैंने सुबह में ही इसका पिज़्ज़ा का अपना भून के रख दिया था, क्योंकि ये तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। तो हमारा डो जो है खूब अच्छा सा बन चुका है। अब हम इसको आटा जो है हम अपना इस पर थोड़ा डाल लेते हैं खुश्क आटा, बेलन पे भी थोड़ा सा लगा लेते हैं। और हम इसमें से आधा लेंगे। मैंने ये फ्रेंड्स ज़्यादा गूंदा था क्योंकि मुझे एक बड़ा पिज़्ज़ा भी बनाना है, आज तो नहीं फिर किसी दिन। तो मैं इसमें से कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स कि मैं पिज़्ज़ा का आटा हो गया, शोरमा ब्रेड का आटा हो गया, वो मैं भून के अक्सर और पेशतर जिपर बैग में करके फ्रीज़र में डाल देती हूँ। कभी भी मुझे पता चलता है कि किसी को आना है एक दिन पहले तो वो निकाल लीजिए, बड़ा आसानी हो जाती है कि आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। आप शोरमा का आटा गूंद के रख लीजिए, ब्रेड का, कोई आपके यहाँ गेस्ट आ रहा है तो आप उसके लिए अपने चिकन निकाल के अच्छे से मज़ेदार से शोरमा बना सकते हैं। इसको मिला कर देते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने
पिज़्ज़ा का जो मैंने ये डो बनाया है इसके अंदर मैंने इस दफ़ा सीजनिंग भी की है, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा मैंने इसके अंदर एक टेबल स्पून ऑरगेनो और एक टी स्पून मैंने इसके अंदर जो गार्लिक सॉल्ट होता है वो भी ऐड किया है, तो वो एक बड़ा मज़ा सा आएगा उसके साथ जब आप उसको खाएंगे पिज़्ज़ा कपकेक। चलिए अब हम इसको बेलते हैं। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने बहुत मोटा नहीं रखना है, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये हमें कैसा रखना है। देखिए बहुत मोटा रखेंगे तो वो फिर इतना मज़े का नहीं बनेगा। थोड़ा हम हाथ से बढ़ा लेते हैं ना? हमने इस तरह से कर लिया। अब देखिए ये हाफ इंच से भी थोड़ी सी कम ही है इसकी मोटाई जो हमें इसका रखना है। चलिए अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अपना ये डालते हैं खुश्क आटा और अपने प्याले को भी हम थोड़ा सा एक किनारे को लगा लेते हैं और इससे हम काटते हैं। ये देखिए काटते जाते हैं और इसके अंदर हम जो हमारा ये है इसके अंदर हम अपना सांचे के अंदर इसको फिक्स करते चले जाते हैं ऐसे। किनारा थोड़ा सा हमारा बाहर तक आना चाहिए ताकि ये जब निकले, और किनारा थोड़ा सा जब आप इसके अंदर डालें तो कोशिश करिए कि किनारा थोड़ा सा मोटा रहे। बस को हमने ऐसे डाल दिया। चलिए मैं पहले सारे काट लेती हूँ ताकि ये ट्रे में आपके सामने रख के आपको दिखा के इसके अंदर फिक्स करूँगी ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं, हम इनको निकाल लेते हैं, एक तरफ करते जाते हैं। निकल आया हमारा एक, हमारा इसमें से निकल आएगा। निकल आया हमारा, रख देते हैं, एक और निकल आएगा हमारा इसमें से। मुझे पता चल गया है कि मुझे ये चाहिए होगा तो मैं इसका कटर लेके आऊंगी। एक दो तीन चार और ये पांच, पांच बन गए हमारे, दो चार छः आठ, तीन हमें और चाहिए हैं। तो हम इसमें से, चलिए पहले हम इसको इनको लगाते हैं आपके सामने। मैं लगाती हूँ इस ट्रे को, मैं इधर रखती हूँ ताकि आपको नज़र आए कि मैं इसमें लगा कैसे रही हूँ। ये देखिए ये इसके अंदर ऐसे गया, नीचे उंगलियों की मदद से इसको थोड़ा ऐसे करिए और किनारे को थोड़ा बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए वैसे मैंने आपके सामने बटर इसीलिए बाहर लगाया था कि इसका, ये देखिए अब हम इसको लगाते हैं, ये उठा लेते हैं। भी हम ऐसे करेंगे। बटर फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से लगाइएगा। मेरा हाथ पड़ गया इसके ऊपर। उंगली की मदद से ऐसे ऐसे कर दीजिए ताकि ये इसके अंदर बबल सा बनने लगे, तो उसको यूं करके दबा दीजिए। मैं इसकी फिलिंग फिर आराम से बाद में करेंगे, पहले हम अपने सारे इसके अंदर बना के लगा देते हैं। चलिए बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बच्चे बहुत खुश होकर ये खाते। आप इसके अंदर अगर आपको चिकन वाला बनाना है तो आप चिकन बना के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं पिज़्ज़ा कपकेक में,
आपको वेजी वाला बनाना है उसमें आपको जो वेजी पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। ये हमारे देखिए चार हो गए हमारे, एक हम इसके अंदर और लगाते हैं, फिर हम इसको साइड में रखते हैं और हम अपना इसको हम उंगली से ये करते हैं, दबाते हैं अंदर अंगूठे की मदद से और इसको चलिए इसको भी हम साइड पर रखते हैं। अब हम अपना अभी हमें तीन और चाहिए, हम इसके अंदर अपना डो लेके और इतना फ्लफी इतना अच्छा फ्रेंड्स ये पिज़्ज़ा का हमारा आटा बना है डो, और सीजनिंग भी मैंने आपको बताई कि मैंने इस दफ़ा इसके अंदर ऑरेगानो डाली है और मैंने इसके अंदर गार्लिक सॉल्ट डाला है। तीन कप में फ्रेंड्स मैंने तीन कप मेरे पास ऑल पर्पज़ फ्लावर था उसके अंदर मैंने एक टेबलस्पून भर के ऑरेगानो डाली है और मैंने एक टीस्पून भर के गार्लिक सॉल्ट डाला है। और एक टीस्पून मैंने दूसरा वाला पिंक सॉल्ट डाला है। दो टीस्पून बेसिकली इसके अंदर सॉल्ट है और एक टेबलस्पून इसके अंदर ऑरेगानो है। चलिए अब इसके हम और काटते हैं अपने, जब इसके अंदर हम अपनी फिलिंग भरेंगे तो ये वैसे इसके अंदर जो बबल सा बन रहा है वो नीचे चला जाएगा, हो जाएगा। निकाल लिया हमने, निकालेंगे जरा। ओवन जो है फ्रेंड्स मैंने प्री हीट करने के लिए 400 पे ऑन कर दिया है, 400 टेम्परेचर है ओवन का मेरे। चलिए इसको हम इधर रखते हैं और इसको भी कर देते हैं, इसको इसमें समेट लेते हैं और अब हम अपने इसके अंदर फिलिंग भरेंगे जो मैंने आपको बताती हूँ कि ये देखिए मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है और फ्रेंड इस पिज़्ज़ा सॉस के अंदर मैंने एक टीस्पून गार्लिक सॉल्ट डाला है और एक टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं ताकि ये थोड़ा सा मज़े के स्पाइसी से बने हमारे। तो सबसे पहले हम सॉस लगाएंगे अपना, दो दो टीस्पून मैं सब में डालूंगी और ऐसे लगाइएगा फ्रेंड्स कि किनारा हमारा ख़राब ना हो, किनारे से ज़रा थोड़ा नीचा ही रहे।
अब इसको हम इधर घुमाते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी मेरी इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और रिजी इजी किचन को सब्सक्राइब करिए। चलिए, ज़रा बड़ा है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा और डाल देते हैं। चलिए, सब में हमारा ये चला गया। अब हम इसके अंदर फिलिंग अपनी करते हैं चीज़ों की। तो देखिए, ये मेरे पास शिमला मिर्च जो हरी वाली आती है, थोड़ी सी हम ये डालेंगे पहले, फिर हम ये ऑरेंज वाली है इसको थोड़ा सा डालेंगे, इसके बाद हम इसके अंदर ये ब्लैक वाले ऑलिव्स हैं मेरे पास, ये डालेंगे थोड़े से। उसके बाद मैं इसके ऊपर, ये देखिए हमारे पास जो चीज़ है, पिज़्ज़ा वाली जो चीज़ आती है, ये वो है, वो मैं डालूँगी। और चीज़ डालने के बाद देखिए, हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे नीचे की तरफ ऐसे, और फिर थोड़ी हम और डालेंगे ताकि ये हमारे जब निकलें तो खूब फिल भरे हुए होना चाहिए ताकि ये मज़े के लगे ऐसे, वरना वो खाली खाली निकलेंगे फ्रेंड्स तो वो मज़ा नहीं देंगे। अब इसके ऊपर हम कलर देने के लिए राउंड में मैंने काटे हैं ऑलिव्स, ये ऐसे मैं ऑलिव्स और रख रही हूँ, और इसके ऊपर मैं ये थोड़ी सी ऑरेंज वाली जो है ऑलिव्स के साथ बेल पेपर और डाल रही हूँ, और ऊपर से मैं थोड़ी सी चीज़ और डाल के इसको फिंगर की मदद से अपने ऐसे दबा दिया, और ऊपर से मैं थोड़ा सा डालूँगी ये ओरिगैनो है मेरे पास, ये चुटकी भर। चलिए, ये एक हमारा तैयार हो गया। अब हम दूसरे को ऐसे ही करते हैं, थोड़ी सी ग्रीन पेपर, थोड़ी सी ऑरेंज वाली पेपर, थोड़े से ऑलिव्स, अब हम ये डालेंगे चीज, इसको हाथ से दबाएंगे ताकि ये नीचे तक सही से फिल हो जाए ऐसे, और फिर हम इसके ऊपर थोड़े से अपने ऑलिव्स रखेंगे ताकि इनकी शक्ल जब ये निकले तो ऊपर से ही कलरफुल से लगे, ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर ये डालेंगे। फिर सारे हम ऐसे ही अपने रिपीट कर लेंगे, ये देखिए चीज़, फिर ऊपर से हम डालेंगे आखिर में और थोड़ी सी, और इसके ऊपर से फिर ये मैंने जो ओरिगैनो रखी हुई है अपने पास, ये ज़रा सी ये ऊपर से डाल देंगे। तो चलिए, सारे मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। पहले सब में हम थोड़ी थोड़ी ग्रीन वाली डाल देते हैं ताकि हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कितनी हमारे पास है और हमें कितनी ज़रूरत है। और चलिए, डाल दिया हमने। अब सब पे हम ऑरेंज डालेंगे पूरी थोड़ी थोड़ी, अब हम अपने ऑलिव्स रखेंगे सब पे, नहीं सबसे, अब हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। थोड़ी सी चीज़ डाल के ऑलिव डाल दिए, थोड़ी सी मिक्स करके ये डाल दी, थोड़ी सी चीज़ और डाली हमने, इसको भर दिया हमने सही से,
फिल कर दिया, थोड़ी चीज़ कम लग रही है इसमें और डालते हैं। चलिए अब हम थोड़ी सी ये डालते हैं ऐसे ही। अब इसके अंदर थोड़े से हम ऑलिव डाल देते हैं। चीज़ इसमें कम लग रही है तो मैं थोड़ी सी और ऐड कर रही हूँ। चलिए इसको हम घुमाते हैं, अब इधर वाले को भरते हैं और डालते हैं थोड़ा सा सब में। फ्रेंड्स इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको और आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगी ये। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इसको रेसिपी को लाइक करिएगा और मेरे चैनल रिजी इजी किचन को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब इसके ऊपर हम थोड़े से ऑलिव्स अपने कलर देने के लिए और रख देते हैं पहले सब पे, क्योंकि जो हमारे पास चीज़ें बच गई हैं वो भी हम सारी ही यूज़ कर लेते हैं। देखिए इसको हाथ की मदद से ऐसे प्रेस कर दीजिए थोड़ा, ताकि ये अंदर तक आपकी सब चीज़ें सही से फिल हो जाएं, क्योंकि वो खाली खाली होंगे तो वो मज़ा जब आप खाएंगे तो वो मज़ा नहीं लगेगा। अब हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज़ अपनी जो बची है वो भी डाल देते हैं। चलिए हाथ की मदद से इसको सबको दबाइए सही से। थोड़ा सा और एग्लो डालिए ऊपर से। अगर आपको कुटी हुई मिर्ची पसंद है और स्पाइसी आप चाहते हैं तो आप इस ऐसे जैसे मैं ये डाल रही हूँ उसके साथ आप थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं ऊपर से। चलिए अब ये ट्रे हमारी रेडी हो गई है, तो मैं आप इसको ओवन में रखने जा रही हूँ, जो कि मैंने टेम्परेचर आपको बताया कि 400 पे मैंने अपना ओवन जो है ऑन किया हुआ है, प्री हीट हो चुका है। तो मैं इसको उसके अंदर रखती हूँ और फिर मैं आपसे ये बेक हो जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारे पिज़्ज़ा कपकेक रेडी हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं ये ऐसे रखे हुए प्लेटर में। तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी इस रेसिपी को, और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल रिजी इजी किचन को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं आपके साथ जल्द ही एक मज़ेदार सी और रेसिपी के साथ, एक नए आइडिया के साथ आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय।